ऐसे मॉल तो गए हुए थे लेकिन व्यूज नहीं लिए, मन नहीं किया, क्योंकि एक दो फ्रेंड थे, उन लोगों को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। जिनको आना पसंद नहीं है तो उनके साथ थोड़ा सा सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो आप सभी को धनंजय कुमार प्रियांशु ब्लॉग चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव और गुड मॉर्निंग। फाइन गाइस, आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, मस्त भाई ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज जो है नहाए तो 2-3 दिन से रनिंग करने जा रहे हैं, और क्या पता है थोड़ा सा मजा भी नहीं आ रहा है, रनिंग करने नहीं जा रहे हैं तो ब्लॉग तो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट लगभग नाश्ता पानी तो हो ही गया है। हमारी यहाँ साथ में पुकी रानी भी है, तो पुकी रानी आराम से यहाँ पे क्या बताए, मॉर्निंग मॉर्निंग कार्टून देख रही है और केचप खा रही है। नित्या नित्या, और यहाँ पे ये दोनों आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ने देते हैं, आराम करते हैं दुकान पे, आराम से दुकान पे रहते हैं। आप मिलते हैं आप लोगों से इस तरह मस्ती बड़े ब्लॉग के साथ, छोटे छोटे क्लिप के साथ। ओके सो है जी, फाइनली खाना रेडी है, तो आराम से जो है मस्ती के साथ खाना में जो है आज चावल है, साथ में साग है, साथ में धनिया की चटनी है। तो आराम से जो है मस्ती के साथ खाना खाते हैं। ठीक है, फिनिश करते खाने को, अब मस्त आराम से देसी खाना खाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से खाने को फिनिश करने के बाद। ओके ओके, सो हेलो जी, गुड इवनिंग। फाइनली इवनिंग का टाइम हो गया, ब्लॉग जो है पब्लिक होने का भी टाइम हो गया, यानी पब्लिक हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 4 बज रहे हैं। फाइनली ब्लॉग जो है पब्लिक हो गया है, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो आई बटन में लिंक दे देंगे हर बार की तरह, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आराम से मस्ती बड़े ब्लॉग के साथ। आप लोगों से इंटरेस्टिंग है आज क्या बताया, थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा रूम जो है बिखर गया था, थोड़ा इधर उधर हो गया था, मतलब जो चीज जहाँ पर रखते थे वहीं पर रहता था, इसलिए थोड़ा सा रूम को पूरी तरह से क्लीन किए, सारे बुक को ठीक किए तेजी से, सारे भाई मिल के। ठीक है, सारे रैकों को ठीक किए हैं, बिछावन हम सब ठीक किए हैं, तो इसलिए ब्लॉग थोड़ा कम बना है। ये सब ठीक ठाक करने में टाइम लग गया, और क्या बताया थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है, क्योंकि कलाम पता नहीं कुछ भारी भारी टाइप का लग रहा है, यानी खांसी हो रहा है बहुत जोर जोर से। ठीक है, तो मतलब भारी सांस टाइप है, खांसी तो कम है लेकिन भारी भारी लग रहा है। चलिए आराम से जो है आप लोगों के लिए चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट घूमते फिरते दोस्त लोग के साथ, देखते हैं। आज ऐसे मॉल तो गए हुए थे लेकिन व्यूज नहीं लिए, मन नहीं किया, क्योंकि एक दो फ्रेंड थे, उन लोगों को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। जिनको आना पसंद नहीं है तो उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए थोड़ा सा क्या बताया, उनके साथ ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। बहुत को बताया ब्लॉगिंग में आना पसंद नहीं है, प्राइवेसी चाहिए, तो उसकी प्राइवेसी को तो मतलब ठीक नहीं कर सकते हैं ना। चलिए आराम से जो है आप लोगों के लिए मस्ती ब्लॉग इसी तरह आएंगे। दिन बहुत ही मजा आया था मॉल में, लेकिन आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के बहुत इच्छुक कर रहा था। मोबाइल क्या होता है हमेशा हाथ में था, लेकिन वही था दिक्कत कि उन लोगों की प्राइवेसी है चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दो तीन आप लोग जो भी ब्लॉगिंग करते हैं उसको कुछ ना कुछ अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना ही पड़ता है, तो आराम से निश्चिंत रहिए, आराम से निश्चित रहेंगे हम भी। तो ब्लॉग में आप लोग एंजॉय करते रहिए, चलते हैं, रेडी रेडी होते हैं, फेस वेस हो गए हैं, जस्ट सब कुछ साफ उफ करके ठीक ना चलते हैं, शर्ट डालते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्त लोग से मिलने के लिए। आप लोग भी व्यू चेक कराते हैं बाहरों का, मार्केटों का, आप लोग चेक कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं, ठीक ना, कुछ नाश्ता पानी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भूख भी लगा हुआ है। ठीक है, घर पे बना हुआ था खाना, लेकिन साग चावल खाया तो उसके बाद खाने का मन ही नहीं किया, दोबारा खाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि गर्मा गर्म चावल के साथ ही खाने में मजा आता है, तो गर्मा गर्म चावल के साथ खाए, उसके बाद चलते हैं। आप मार्केट में कुछ खाया जाएगा, पिया जाएगा, आराम से मस्ते से मौज किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, ठीक ना। ओके ओके, सो हे गाइस, फाइनली जो है मार्केट से आ गए शॉपिंग वोपिंग करके, यानी कुछ सब्जी वब्जी खरीद के आए हैं और कुछ नाश्ता पानी भी हुआ है। चलिए आराम से मस्ती के साथ क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं। नाश्ता वास्ता तो हो ही गया है मार्केट में, खाने का मन भी नहीं क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ा सा ज्यादा ही पेट पूजा हो गया है। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ने के लिए बैठते हैं। नॉर्मल सा है आप लोगों के लिए ब्लॉग आज भी, तो बहुत ज्यादा शादी भी था, देखते हैं, इन्विटेशन तो आया हुआ है लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ही दूर है। ठीक है, कोई जाने वाला है भी नहीं साथ में, तो जा भी नहीं सकते हैं अकेले, तो जाएंगे ही नहीं, भाई लोग तो जाएगा नहीं क्योंकि उन लोग का एग्जाम है, तो वो लोग एग्जाम की फुल तैयारी में लग चुके हैं आप, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग आप जो है आज से नेट आप 2 महीना मानो तो बचा हुआ है एग्जाम का उन लोगों का, दोनों का ही, तो अब वो लोग एग्जाम में एग्जाम फुल्ली
बैठ चुके हैं याद करने के लिए ताकि एग्जाम अच्छे से दे सके। तो आप लोग भी जिन जिन लोग का 10th और 12th का जिन स्टूडेंट का होगा एग्जाम वो लोग अच्छे से आप पढ़ने के लिए बैठिए। 2 महीने भूल जाइए, ठीक है, कि कुछ है मार्केट वर्केट में आराम से पढ़िए हुई, अच्छे से नंबर से पास कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले एग्जाम की तैयारी कीजिए, परीक्षा तो बाद में देखा जाएगा, एग्जाम की फुल अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, हम भी पढ़ने उड़ने के लिए बैठते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं आप लोगों से जो है कि बात खाने के टाइम में, ओके। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। फाइनली क्या बताया, रात को जो है ब्लॉक आने के थोड़ा सा क्या होता है पढ़ते पढ़ते सो गए थे, पता भी नहीं चला क्योंकि क्या बताया दिन में दोपहर में सो नहीं रहे, उस कारण से रात को ही नींद आ रहा है। जो भी जल्दी याद आ रहा है वही पढ़ने के टाइम में ही याद आ रहा है, क्या करें, लगभग 1 घंटा या आधा घंटा ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, उसके बाद तो सो ही गए थे। तो अलमत रात में ही मम्मी जी उठाई, खाना पीना खाए, सो गए थे क्योंकि नींद आ ही रही थी, उस कारण से ब्लॉग भी नहीं किए, आराम से सो गए थे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं ताकि न्यू ब्लॉग को स्टार्ट कर सके। आज देखिए हो सकता है आज बेगूसराय भी जाना पड़े, ठीक है, कॉलेज जाना है, कॉलेज का आप लोग को फ्यूज भी चेक कराएंगे अच्छे से क्योंकि कुछ पेपर ऊपर लेना होगा, जैसे सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट कुछ आया हुआ है तो लेना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 आप सभी को, ओके।